अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ, इसमें मैं आपके साथ अपने वाइड ड्रेसेस के कुछ आइडियाज़ शेयर करूँगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मेरे सामने 3 ड्रेसेस रखे हुए और ये वाइड हैं, और इस पर मैंने क्या डिज़ाइनिंग करवाई है मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना ये वाला ड्रेस दिखा रही हूँ। आई होप आपको अच्छे से नज़र आ रहा है। मैंने बैकग्राउंड भी थोड़ा कलरफुल रखा है ताकि वाइट ड्रेस है और आपको डिज़ाइन समझ आ जाए। मैं आपको क्लोज में दिखाती हूँ कि इसका स्टफ़ क्या है और मैंने इस पर क्या डिज़ाइनिंग करवाई है। ये मेरा कॉटन नेट का ड्रेस है, मैंने 3 पीस लिया था और मैंने घर पे ही स्टिच करवाया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके साथ क्या डिज़ाइनिंग करवाई है। जैसे कि आप इसके स्लीव्स देख सकते हैं, मैंने इसके स्लीव्स पे क्या करवाया है कि ये जो इसकी बैक का कपड़ा है वही इसके स्लीव्स का दिया हुआ था। मैंने इसके स्लीव्स पे जो फ्रंट साइड का कपड़ा था उसका थोड़ा सा पीस उतार के फ्रंट पे लगा लिया यूँ, और उसके ऊपर मैंने 3 छोटी छोटी लाइंस, इसको धनक कहते हैं, उसकी मैंने लगा ली हैं। ऐसे मैंने इसके दोनों स्लीव्स पे यूँ डिज़ाइन बनवा ली है, और गला मैंने इसका बोट शेप बनवाया है आगे से, और बैक साइड से मैंने इसका गला कैसे बनवाया ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इसका ऐसे गला बनवाया, थोड़ा सा डीप बनवाया कट मैंने, और इसकी बैक साइड के गले पे ये सारे मैंने मोती लगवाए हैं। फ्रंट साइड पे नहीं लगवाए, मैंने सिर्फ बैक साइड पे लगवाए हैं, ये देख लें आप। और यूँ जो मैंने थोड़ा बड़ा सा पीछे कट लगवाया है, इस पर भी बनवाए हैं। आप चाहे तो ये राउंड में पीछे कर सकते हैं, आप चाहे तो पीछे इसको डायमंड शेप में भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है। अंदर मैंने यूँ गोटी के 2 टसल्स हैं उसको ज्वाइन करके मैंने यूँ लगा लिया। आप चाहे तो यूँ लगा लें, आप चाहे तो कोई बड़े वाला टसल लेके पीछे वो लगा लें। आजकल बहुत सारे वैरायटी है टसल्स की, आप जो आपको अच्छा लगे आप यूँ लगवा सकें। मैंने इसके दामन पे और इसके चौक पे कुछ भी नहीं किया, वो मैंने बस सिंपल यूँ मैंने देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने फोल्डिंग करवा के यूँ बनवा लिया है। और एक और मैं आपको बात बताती चलूँ कि जब आप वाइट ड्रेसेस बनवाते हैं तो उसके नीचे आप जो इनर लगवाते हैं वो कोशिश किया करें कि इनर जो है थोड़ा ज़्यादा लगवाएं, मतलब उसकी लेंथ से थोड़ा सा ही ऊपर होना चाहिए, इससे कलर खूबसूरत लगता है। वरना अगर आप ज़्यादा ऊपर कर देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी लेंथ है और आपने यहाँ तक उसका इनर कर दिया, तो वो अच्छी लुक नहीं देता है। और स्लीव्स के साथ या तो आप इनर स्लीव्स के साथ जो वाइट ड्रेसेस होते हैं उनके अगर आप पसंद करते हैं कि आपने नीचे इनर नहीं लगवाना तो मत लगवाएं, लेकिन अगर आपने इनर लगवाना है तो हाफ इनर मत लगवाया करें, उसके नीचे फुल इनर लगवाया करें, उससे ज़्यादा अच्छी लुक आती है और पूरा ड्रेस एक ही कलर का लगता है, ये जैसे आप देख सकते हैं। और इसके साथ जो मैंने ट्राउज़र बनवाया है वो बिल्कुल मैंने प्लेन बनवाया है, जैसे आप ये देख रहे हैं। इस पर मैंने कोई भी डिज़ाइन नहीं करवाया क्योंकि मैंने शर्ट पे काफ़ी करवा लिया था, और ये शर्ट थोड़ी फैंसी लुक देती है, अच्छी लगती है, तो ट्राउज़र पे मैंने कुछ भी नहीं करवाया, ये देखें आप। अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ, ये आ गया जिसका दुपट्टा। ये तो मैंने अपनी पहले भी एक लास्ट वीडियो में दिखाया, जिन्होंने देखी है उनको तो पता होगा, लेकिन मैं आपको दोबारा से इसकी डिज़ाइनिंग दिखा देती हूँ कि मैंने इस पर क्या करवाया। ये मेरा शिफॉन का दुपट्टा है ड्रेस के साथ। इस दुपट्टे के मैंने चारों तरफ इसके पल्लू पे और बाकी साइड पे भी मैंने ये गोल्डन कलर की जो ड्रेस के अंदर कलर था उस कलर की मैंने फेसिंग करवा ली है, ये देखेंगे सामने से यूँ नज़र आती है। और जो मैंने स्लीव पर लगवाई थी वो मैंने उसकी 5-5 लाइन्स यहाँ दुपट्टे पर भी लगवा ली है। आप चाहे तो थोड़ा बॉर्डर इसका और बड़ा कर सकते हैं, आप इसको 10 भी लगा सकते हैं, यहाँ तक आप बॉर्डर बना लें। अगर आपने दुपट्टा ज़्यादा बड़ी लेंथ का ले लिया है तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि वाइट ड्रेस है तो इस पर अच्छा ही लगेगा क्योंकि इतना कलरफुल ड्रेस नहीं है। और इसके मैंने, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने पल्लू पे इसके ये गोटी के टसल्स लगवा लिए हैं, 6-6 दोनों साइड्स पे, 6 मैंने एक पल्लू पे लगवाए हैं और 6 मैंने दूसरे पल्लू पे लगवाए हैं। करूँगी कि आपको अपने ड्रेस की फुल पिक्चर भी दिखा दूँ कि पहना हुआ ये कैसा लग रहा था। तो चलें अब मैं आपको अपना नेक्स्ट ड्रेस दिखाती हूँ। ये मेरा दूसरा ड्रेस, ये ऑर्गेन्जा है स्टफ़ इसका, और मैं आपको क्लोज में दिखाती हूँ कि इस पर मैंने क्या डिज़ाइनिंग करवाई है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी शर्ट। ये जो शर्ट आप मेरी देख रहे हैं ये ऑर्गेन्जा स्टफ़ है, इसके नीचे मैंने प्लेन सिल्क यूज़ की है। थोड़ा सा इसके नीचे वो जो नॉर्मल हम इनर यूज़ करते हैं वो मत यूज़ करें क्योंकि ऑर्गेन्जा बहुत पतला होता है, तो इसके नीचे कोशिश करेंगे आप थोड़ा मोटे कपड़े का ही इनर यूज़ करें। मैंने सिल्क यूज़ किया है, फिर मुझे एक्स्ट्रा इनर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस शर्ट पर मैंने क्या किया है कि ये मेरी नी लेंथ की शर्ट है, और इस पे मैंने बोट गला बनवाया है इसका, ये देख सकते हैं आप सिंपल। और ये जहाँ पे फिटिंग आती है हमारी, ये यहाँ से स्टार्ट करके जो हमारी फिटिंग वाली साइड है
इस फिटिंग वाली साइड पे मैंने ये फैंसी बटन्स लगवाए हैं हुक के साथ, तकरीबन 12 से 15 ही हैं जितनी आपकी शर्ट की लेंथ है। अगर आपकी शर्ट की लेंथ छोटी है तो ऑब्वियसली इसमें फिर आपके कम लगेंगे, वो तकरीबन 8 से 10 लगेंगे। अगर आप थोड़ी लॉन्ग लेंथ रख रहे हैं तो फिर ये थोड़े ज़्यादा बटन्स लगेंगे। ये आप टस्क के हुक्स के साथ लगवाएं तो भी अच्छे लगेंगे, हुक्स के बगैर लगवाना चाहती हैं तो भी अच्छे लगेंगे। पहनी हुई शर्ट बहुत ही खूबसूरत लगती है इस डिज़ाइन के साथ। और इसके स्लीव्स पे मैंने क्या किया है कि सिंपल मैंने यूँ जो कलर इसके अंदर नज़र आ रहा है उसी कलर की मैंने फोल्डिंग करवा ली है। और ऐसे ही मैंने इसके चौक और दामन पे आप देख सकते हैं। और इसके नीचे जो मैंने इनर लगवाया है ये आप देख सकते हैं कि मैंने स्लीव्स में सिर्फ थोड़ी सी आगे तकरीबन 1 इंच की जगह छोड़ के यहाँ तक लगवाया, और ऐसे ही मैंने इसके शर्ट की लेंथ के साथ भी किया। क्योंकि अगर हम ज़्यादा छोटा इनर लगवाते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वाइट कलर है तो इसमें अच्छा नहीं लगता है। इसका ट्राउज़र, इसके ट्राउज़र के साथ मैंने क्या किया है कि वही जो फेसिंग मैंने शर्ट में यूज़ की थी वही मैंने नीचे यूज़ कर लिया, और मैंने इस पर कुछ भी नहीं किया। मैंने सिंपल ये थोड़ा फिटेड सा कैप्री कह लें आप इसको, मैंने वो बनवाया। दुपट्टा, इसका दुपट्टा भी ऑर्गेन्जा का है। आई डोंट नो कि आपको इतना अच्छा पिक्चर में नज़र आ रहा है वीडियो में, लेकिन ये रियल में बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको इस ड्रेस की भी पिक्चर दिखाऊंगी, आप देखिएगा पहनावा कितना अच्छा लग रहा था। इसके मैंने नीचे क्या किया है कि वही जो फेसिंग मैंने शर्ट में यूज़ की है वो इसके पल्लू पे यूज़ किया है, क्योंकि और इसको कहीं ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ पल्लू पे यूज़ करके मैंने इसके चारों कोनों पे ये टसल्स लगा लिए हैं। ये देखिए आप, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग भी नहीं की, लेकिन ये ओवरऑल ड्रेस अच्छा लग रहा था। चलें अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये आ गया जी मेरा थर्ड ड्रेस, ये मेरा फेवरेट ड्रेस है। इसका क्या स्टफ है और क्या डिज़ाइनिंग की है मैं आपको थोड़ा क्लोज में दिखाती हूँ। करते हैं शर्ट की, ये जो शर्ट है मेरी कॉटन स्टफ है। ये जो आप इसका बॉर्डर देख रहे हैं ये शर्ट के नीचे एज इट इज़ था, ऐसे ही था। मैंने क्या किया है कि जहाँ पे बॉर्डर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है इसके ऊपर मैंने ये बारीक फ्लावर वाली लेस लगा ली है, और यही लेस मैंने तकरीबन सारी शर्ट पे यूज़ किया और इसी की डिज़ाइनिंग करवाई है, और ये बहुत प्यारी लगती है। इसे बनवाया है कि जो वही शर्ट का कपड़ा है वही इसके स्लीव्स का भी है। उसके स्लीव्स पे मैंने तकरीबन ऊपर से ये 10 इंच बनता है, 10 इंच के बाद मैंने इतना पीस कट करवा के इसके अंदर ये प्लेन नेट लगवा ली है, और जहाँ पर नेट अटैच हुई है दोनों साइड्स पर वहाँ पर मैंने वही लेस यूज़ कर ली है, ये आप देखें, और वही लेस मैंने यूँ आगे भी इसके यूज़ की है। देखिए ये इतनी महंगी नहीं, तकरीबन ये 30 से 40 रुपए गज़ की लेस है, और ये वॉश करने से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और बहुत ही खूबसूरत लगती है। ऐसे ही मैंने इसके दोनों स्लीव पे ये डिज़ाइन बनवा लिया। देखिए गले पे मैंने क्या किया है कि ऊपर से तकरीबन मैंने 5 इंच का कपड़ा कटवा के ऊपर प्लेन नेट यूज़ की है, वही जो मैंने इसके स्लीव्स के सेंटर में यूज़ की थी, ये वही नेट यूज़ किया है। और मैंने ये बोट गला बनवाया इसका, क्योंकि ये गले सबसे कंफर्टेबल होते हैं समर्स में, और उस पर मैंने ये बारीक क्रिस्टल के छोटे छोटे पर्ल्स लगवा लिए हैं दोनों साइड्स पे। और पहने हुए ये शर्ट भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। जो गला है मैंने आगे और पीछे से, ये देखें आप, ये मैंने सेम बनवाया है, ये आप देख सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ ये गला डिज़ाइन सिर्फ फ्रंट पर कर लें, चाहे तो सिर्फ बैक पर कर लें। आई होप आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा, ये वाइट है तो कोशिश मेरी थी कि मैं पीछे कलरफुल बैकग्राउंड रखूं ताकि सही से वाइट शर्ट नज़र आए। और ये शर्ट के मैंने देखें इस पर ऐसे ही फोल्डिंग करवाई है, और ये जो दामन नज़र आ रहा है ये शर्ट के साथ ही था ऐसे ही। आई होप आपको मेरी शर्ट का डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। अच्छा मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ। ये आ गया इसका ट्राउज़र, ये मैंने नॉर्मल से थोड़ा खुला रखवाया, तकरीबन ये 12 इंच है ट्राउज़र मेरा, और शर्ट इसकी थोड़ी शॉर्ट शर्ट थी, नी लेंथ से थोड़ी सी कम थी शर्ट इसकी। और इस पर मैंने क्या किया है ये देखें, यहाँ मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने इसके एक ये लेस लगाई है, वही लेस जो मैंने शर्ट में यूज़ की है उसी लेस का डिज़ाइन मैंने ट्राउज़र पर भी किया है। एक लेस लगवाई है, उसके बाद मैंने दो थोड़े नॉर्मल से थोड़े से जो मोटे प्लेट होते हैं मैंने वो करवाए हैं, फिर एक लेस लगवाई है, तकरीबन आधा इंच के गैप से ये सारा डिज़ाइन करवाया। फिर मैंने इसके साथ ये सीढ़ी लैस एक लगाई है, फिर तकरीबन 1 इंच का गैप दे के मैंने 3 बारीक छोटे छोटे यूँ प्लेट्स करवा लिए इसके ऊपर, फिर 1 इंच का गैप दे के मैंने एक और सीढ़ी लैस लगवाई है, और इसके ऊपर लास्ट में मैंने वही लैस यहाँ लगवा ली है। ये लैस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, आप जितना चाहे इसको वॉश करें, क्योंकि वाइट ड्रेस का गंदा हो जाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और नीचे मैंने इसके ये मोटे मोटे क्रिस्टल के यूँ मोती भी यूज़ किया।
अगर ये मोती यूज़ करने हैं तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि इतने बड़े मत यूज़ कीजिएगा, ये बहुत इरिटेट करते हैं। आप थोड़े से छोटे साइज़ में लें, जैसे कि मैंने शर्ट पे लगाया हुआ था, चाहे वो यूज़ कर लेंगे उससे थोड़े से बड़े। ये ज़्यादा बड़े हो गए, ये अच्छे लग रहे थे बट ये इरिटेट करते हैं बहुत ज़्यादा। और ये तकरीबन मैंने 12 इंच नीचे से स्टार्ट करके 12 इंच तक डिज़ाइन बनवाया और ये बहुत ही प्यारा लगता है और मेरी शर्ट तकरीबन यहाँ तक आती है, यानी कि डिज़ाइन अच्छे से नज़र आता है। वाइट के ऊपर है, ऐसा नहीं कि प्यारा नहीं लगता, नज़र नहीं आता, रियल में भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। आई होप आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन भी अच्छा लगा होगा। ये आप देख सकते हैं मेरे सारे ड्रेसेस। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो भी अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।